हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एमएससी केमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर ऑर्गेनिक सिंथेसिस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, सर्कुलर डाइक्रिज्म, जिसे हम हिंदी में द्विवर्ता भी कहते हैं। चलिए इसको हम पढ़ते हैं कि द्विवर्ता होता क्या है। और ये टॉपिक हिंदी में है तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और ये थ्योरी बेस्ड टॉपिक है तो आप इसको एग्ज़ाम में ईजी अटेम्प्ट कर पाएंगे। कुछ डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स में यह प्रॉपर्टी होती है कि वे दो रिफ्रैक्शन बीम्स में से एक को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है तथा दूसरे बीम को निकल जाने देता है। इन क्रिस्टल्स द्वारा सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन की इस घटना को डाइक्रिज्म कहते हैं या द्विवर्ता कहते हैं। इस प्रकार के क्रिस्टल का बेटर एग्जाम्पल टूरमालिन है। फिर हम आगे देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ऑप्टिकल रोटरी डिस्पर्शन ORD अन्य घटना से बहुत ही निकट रिलेशन रखता है। यह घटना सर्कुलर डाइक्रिज्म कहलाती है। सर्कुलर डाइक्रिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अध्ययन में पोलराइज्ड लाइट का यूज़ बहुत किया जाता है, किंतु यदि सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट का यूज़ किया जाए तो कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड आंकड़े प्राप्त होते हैं। अब आगे देखेंगे हम, यदि मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल रोटेटरी पावर से रिलेटेड ग्रुप के कैरेक्टरिक ऑब्जर्वेशन बैंड के निकट की वेवलेंथ में सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट का यूज़ किया जाए तो राइट ऑप्टिकल एंड लेफ्ट ऑप्टिकल में सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट का बीम अलग अलग सीमा तक एब्जॉर्व होता है, जबकि अन्य छवि वेवलेंथ पर कॉन्फिशियंट ऑफ एब्जर्वेशन बराबर होता है। राइट एंड लेफ्ट पोलराइज्ड लाइट के मोलर एक्सटेंशन कॉन्फिशियंट का अंतर ELER सर्कुलर डाइक्रिज्म कहलाता है। अब हम सर्कुलर डाइक्रिज्म की विवेचना देखेंगे। इसकी विवेचना पोलराइज्ड लाइट की किसी ऑप्टिकल रोटेटर मैटर के साथ होने वाली इंट्रैक्शन के बेस पर की जाती है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट की बीम को सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट के समान एम्पलीट्यूड्स वाली बीम एंड एक प्रवस्था की बीम अर्थात दो बीम्स का एडिशन माना जा सकता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी में लेफ्ट एंड राइट घुमाव वाली सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट NL NR भी के माध्यम के प्रति डिफरेंट रिलेटिव इंडेक्स के कारण होती है। यदि प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पर यूनिट पाथ रोटेशन को अल्फा एंड उसकी वेवलेंथ के लैम्डा से डिनोट करें तो NL NR अल्फा अपॉन लैम्डा, यदि NL INR हो तो राइट टर्न वाली सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट की बीम ऑप्टिकल रोटेटरी मीडियम से गुजरने में पीछे जाती है। निकलने वाली लीनियर पोलराइज्ड लाइट की बीम राइट साइड में घूम जाती है, क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड एब्जर्वेशन एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। लंबी वेवलेंथ के फील्ड में जिसमें पॉजिटिव क्वांटम इफेक्ट स्पष्टता दिखाई देता है वह NL NR
छोटी वेवलेंथ के फील्ड में जहाँ लाइट का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो गाइस ये हमारा टॉपिक यहीं क्लोज होता है, और आपको किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और हमारा जो आने वाला वीडियो होगा वो ऑर्गेनिक सिंथेसिस का ही होगा, और आपको किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।